हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस गाइस, आज मैं फिर से कर रही हूँ एक पी का कार्ड रीडिंग आप सबके लिए। और आज का हमारा रीडिंग का टाइटल है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में अभी हो, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो वो फ्यूचर में आपका साथ देंगे। जी हाँ, आज का टॉपिक यही है कि क्या वो आपका साथ देंगे फ्यूचर में, है ना। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में हो और एक बंदा या एक बंदी आपका साथ नहीं दे रहा है, तो रिलेशनशिप को टूटना ही होता है, दी एंड हो जाता है रिलेशनशिप का, है ना। आप में से बहुत लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर भी रहे हो कि आप अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, पर आपका सामने वाला जो पर्सन है वो बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो फ्यूचर में आपको उनका साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। यहाँ पर मैंने पाइल नंबर 1 ऑरेंज ऑरेंज स्टोन रखा है, पाइल नंबर 2 है ग्रीन स्टोन। सो गाइस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, सैड एनर्जी में मत रहिए, ओके। क्योंकि जो होना है वो होना ही है, ओके। ना इसे आप बदल सकते हैं, ना इसे मैं बदल सकती हूँ, है ना। सिर्फ ऊपर वाले के हाथ पे सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ क्लैरिटी निकालने की कोशिश करेंगे। आई होप गाइस आपने पाइल चूज़ कर ली है। मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। इसे हटा देते हैं यहाँ से, ओके। और देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपका साथ देंगे और इस रिलेशनशिप को अपने मुकाम तक पहुंचा पाएंगे आप दोनों, ओके। ये देखेंगे, पहला कार्ड आया है एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, हैंग मैन, वाव, सिक्स ऑफ वैंड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। ब्यूटीफुल कार्ड्स, वाह। तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है गाइस, एक्सलेंट। रुकिए, कैमरा थोड़ा एडजस्ट, ओके। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपका साथ देंगे या नहीं, ओके। गाइस यहाँ पर कुछ साइन और एलिमेंट बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर साइन आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पर यह साइन भी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर सभी साइन है गाइज। अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि ऋषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन भी है लियो, सैजिटेरियस, एरिस, यानी कि सिंह, धनु, मेष राशि। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर साइन आया है गाइज, कप्स की एनर्जी ज़्यादा आई है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो आज का हमारा सवाल क्या है गाइज, आज का हमारा सवाल है गाइज कि क्या आपके पर्सन आपका साथ देंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं प्रेजेंट सिचुएशन आपको बता दूं, ओके। प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिए हैं गाइस कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड कंडीशन में है, ओके। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड कंडीशन में है। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे हैं, यानी कि भरोसा। आप दोनों ही एक दूसरे पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाए। हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया था जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे कि आपका भरोसा बिल्कुल टूट गया है इस इंसान के ऊपर। आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर सिक्स ऑफ जो सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये दिखाता है, इस ये कार्ड होता है भरोसे के टूटने, ट्रस्ट इश्यूज को दिखाता है, भरोसा टूटा है, ओके। थोड़ा सा टॉक्सिक रिलेशनशिप आप दोनों का हुआ है, जिसके वजह से ये पर्सन आपके लाइफ से थोड़े दूर हो गए, थोड़े दूर चले गए हैं, ओके। ये सिक्स ऑफ सोर्ड्स ने इस बात को दिखाया है कि ये इंसान आपको शायद भरोसा नहीं दिला पाए, इतनी ज़्यादा
टॉक्सिक यानी कि जहरीली हो गई थी आपकी दोनों की रिलेशनशिप, है ना, कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं हो पाया और ये इंसान वापस चले गए आपके लाइफ से। इसने इस कार्ड ने इसे प्रूफ कर दिया है। अभी देखिए इनकी प्रेजेंट सिचुएशन को, यहाँ पर दो कार्ड शो कर रहा है, एक है हैंगमैन का कार्ड, ओके, और दूसरा है यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स। तो ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं गाइस। ये दोनों दिखा रहा है कि आपके पर्सन अभी अगर आपसे दूर है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा बंधे हुए ट्रैप्ड सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं, कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम इनके लाइफ में चल रही है जिसके वजह से हो सकता है कि ये आपको अपनी लाइफ में लेकर नहीं आ पा रहे, बहुत ज़्यादा फंसे हुए कहीं पे, इन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आपसे इन्हें दूर रहना है, ओके, इन्हें आपसे दूर कर दिया गया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जिस वजह से इस इंसान में कोई भी स्टैंड लेने की, कोई भी स्टेप लेने की हिम्मत ये इंसान अभी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल हैंगमैन की पोजिशन में है, स्टक हो गए। स्टक होने का एनर्जी होता है कि कहीं पर रुक गए हैं, है ना, इन्होंने बहुत चीज़ों को सेक्रीफाइस भी किया है, हो सकता है कि इन्होंने आपको ही सेक्रीफाइस कर दिया किसी वजह से, और वजह यहाँ पर क्या है वो खुल कर निकल कर नहीं आई है गाइस, ओके, पर ये सेक्रीफाइस को भी दिखाता है। तो आपको सेक्रीफाइस करने के बाद में ये इंसान अभी स्टक पोजीशन में, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बंधे हुए, इनके रास्ते देखिए इतने आसान नहीं है आप तक पहुंचने का, क्योंकि जिस इंसान को पूरी तरीके से बांध दिया गया हो, है ना, उनकी आंखों में पट्टी बांध दी गई हो, तो ये आगे का रास्ता कैसे चुनेंगे। तो इसी हालत में अभी आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। पर आज का जो हमारा सवाल था ना गाइस, कि क्या आपके पर्सन आपके लिए आपका साथ देंगे या आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे, तो इसका आंसर बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर ये होगा कि जी हाँ, अभी ये जिस कंडीशन में है ना, ये बहुत जल्द इस कंडीशन से निकलेंगे बाहर, जी हाँ निकलेंगे। अपने आप को ज़्यादा दिन तक इस एनर्जी में ये नहीं रखेंगे, क्योंकि इस इंसान में अब वो ताकत आने वाली है, वो हिम्मत आने वाली है, इस इंसान में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जिसे प्रूफ करता है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड दिखाता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंजेस को दिखाता है कि कोई इंसान बदल रहा है, अपनी कमजोरियों से निकल रहा है, अपनी नेगेटिविटी से निकल रहा है, ओके। तो डेथ यानी कि नया जन्म, इस इंसान का नया जन्म होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव चेंजेस इस इंसान में बहुत जल्द होने वाले हैं, अपनी इन सभी नेगेटिव एनर्जी से ये निकलने वाले हैं गाइज, ओके। तो निकल कर क्या करेंगे, जैसे ये इंसान आपके लाइफ से चले गए थे, यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्स ने दिखाया था, जिस तरीके से ये गए हैं उसी तरीके से दे विल कम बैक, वो वापस भी आएंगे गाइस, ओके, अपने आप को बदल कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्ड्स आए हैं जो दिखाता है कि ये इंसान आपका साथ देना चाहते हैं, जी हाँ आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो दो कार्ड इतने ब्यूटीफुल आए हैं। पहला कार्ड आया है यहाँ पर टेन ऑफ कप्स, तो टेन ऑफ कप्स यहाँ पर क्या दिखाता है गाइस, ये दिखाता है कि ये इंसान आपके साथ अपनी जिंदगी देखते हैं, अपनी लाइफ पूरी आपके साथ बिताना चाहते हैं, एक अच्छा घर परिवार बाल बच्चे, अच्छा फैमिली स्टेटस, फाइनेंशियली सिक्योर होना। तो टेन ऑफ कप्स यानी कि पूरी की पूरी वो खुशियाँ जो एक इंसान हमेशा अपने लाइफ में पाना चाहता है, तो इस इंसान की खुशियाँ भी आपके साथ है, ओके, ये आपके साथ आना चाहते हैं, आपके पास ये शादी का ऑफर लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप का ऑफर लेना लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए एक ब्यूटीफुल कार्ड आया है सिक्स ऑफ वैंड्स, तो ये दिखाता है, ये शादी का कार्ड होता है गाइस, है ना, देखिए एक इंसान कैसे घोड़े पर और पीछे बाराती है ना तो इस इंसान की दिली ख्वाहिश भी आपके साथ शादी करने की है गाइस, ओके, शादी करने की है, आपके साथ घर परिवार सब कुछ ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही देखना चाहते हैं और देखना पसंद करते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना यहाँ पर चाहते हैं। एस ऑफ पैंटिकल्स ने यहाँ पर ये दिखाया है दैट ये बहुत जल्दी आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, जितने भी पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज वगैरह हुई है ना गाइस, हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत झूठ बोला है, आपके साथ चीटिंग की है, आपको रुलाया है, आपको धोखा दिया है ना, तो ये सब आदतें, इनकी जो गंदी गंदी आदतें थी ना गाइस, इसे वो चेंज करेंगे, ओके, ये चेंज करके अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाकर ये आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में बहुत जल्दी होगा। देखिए गाइस, नाइट ऑफ कप्स ने भी यहाँ पर दिखाया है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्यार का ऑफर लेकर आपके पास आना चाहते हैं, ओके, आपके पास इनका कदम ये बढ़ाना चाहते हैं, दे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, आपके साथ एक परिवार बसाना भी ये चाहते हैं, शादी तक के बारे में ये इंसान अपने आप को सोच रहे हैं और अपने आप को तैयार करने में लगे हैं। और सबसे ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर जो आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर दिखा रहा है
कि ये अभी जिस सिचुएशन में यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर स्टक्ट हो गए हैं, बंधे हुए हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर हैंगमैन भी आया है। तो ये जो इनका अभी जो सिचुएशन है ना गाइस, ये होना ही है, ये होना ही था आपसे। दूरी दूरी इन्हें होना ही था, दूर इन्हें लोगों ने अगर आपसे कर दिया है, या खुद ये अपने ये खुद अगर आपके आपसे दूर हो गए, तो ये टाइम बहुत जल्दी चेंज होने वाला है गाइस। ओके, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर अरकाना से आता है ये कार्ड। ओके, और यानी कि इस इंसान का ये समय अब बदलने वाला है, बहुत जल्दी ये समय बदलेगा। ओके, और बदल कर ये इंसान आपके पास आएंगे। आप में से बहुत लोगों की इस इंसान के साथ शादी होगी। जी हाँ, शादी होगी, क्योंकि यहाँ पर दो दो एक नहीं दो शादी का कार्ड आया है, ऊपर से व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, और यहाँ पर डेथ का कार्ड भी आया है। ओके, तो ये बहुत स्ट्रांग इंडिकेशंस है, ये बहुत स्ट्रांगली ये दिखाता है कि ये इंसान आपका फ्यूचर में साथ देंगे। जी हाँ, फ्यूचर में ये साथ देंगे, भले ही अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें इस इंसान की लाइफ में है। हो सकता है कि इन्हें मजबूर कर दिया गया है आपसे दूर होने के लिए, ये कोई रास्ता नहीं देख पा रहे हैं आप तक पहुंचने का। पर इस इंसान का वो समय बदल जाएगा जो अभी चल रहा है। ओके, और ये बहुत ही आपका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे आपको डेफिनेटली, और आप दोनों के रिलेशन को शादी के मुकाम तक पहुंचाएंगे। पायल नंबर वन। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी गाइस, पायल नंबर वन में। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत से आप में से बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग सच होने वाली है। ओके, सच होगी। अब कितनों के लिए होगी ये मैं नहीं कह सकती गाइस। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस, और पर्सनल रीडिंग मैं करती भी नहीं हूँ। ओके, तो आपको देख लेना है कि कार्ड्स में यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव निकले हैं, है ना गाइस। पर आपको देखना है कि आपके पर्सन किस टाइप के हैं, वो भी आपको ध्यान देना है रीडिंग देखने से पहले। ओके, कि आपके पर्सन पर आप कितना ट्रस्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज नज़र आ चुका है ना। तो अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, मेरे पर्सन बहुत अच्छे हैं, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आपका दिल इस बात की गवाही देता है, तो आप समझ लो कि आपके पर्सन वापस आपके पास आएंगे। अगर आपका दिल ही कहता है कि नहीं, ये एक धोखेबाज है, ये एक चीटर है, इसने मुझे इतना दर्द दिया है, अगर आपके दिल में ये आवाज़ आती है, तो सोच लेना कि ये इंसान आपके लायक नहीं है। ओके, इस तरीके से भी आप रीडिंग को अपने ऊपर ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये कहते हुए पाइल नंबर वन मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आप रखिए अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी ग्रीन स्टोन चूज़ किया है पाइल नंबर टू, अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग गाइस, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपका साथ देंगे। क्योंकि अगर साथ मिला तो ही रिलेशनशिप को एक नाम मिल सकता है ना। अगर साथ नहीं दे रहे, देना चाहते, बस टाइम पास करना चाहते हैं आपके साथ, तो ये अच्छी बात नहीं है गाइस, है ना। तो कुछ क्लैरिटी, कुछ क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए। पहला कार्ड आया है एट ऑफ वैंड्स। Knight of Cups, Knight of Pentacles, Four of Swords, The High Priestess, Five of Swords, Four of Pentacles, The Empress, The Magician, पाइल नंबर टू। देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत सभी साइन आए हैं। ओके, हर कार्ड यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर आपको साइन नहीं बता रही, क्योंकि यहाँ पर सब भी है, चारों एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो आज का जो हमारा सवाल था कि क्या वो आपका साथ देंगे फ्यूचर में, है ना, यही सवाल था।
इससे पहले कि मैं आपको इस बात का जवाब दूं, पहले मैं इस इंसान के बारे में कुछ बातें आपसे बताना पसंद करूंगी, ओके? कि इस ये इंसान किस टाइप के हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। देखिए, ये पर्सन जो भी है, बहुत ही ज़्यादा इस इंसान में बातों को छुपाना, यानी कि बहुत ज़्यादा इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ बातों को छुपाया है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान एक खुली किताब आपके लिए कभी नहीं रहे हैं, है ना? आप, मुझे तो लगता है कि आप इस इंसान को अभी तक जान ही नहीं पाए हो, अभी तक पहचान ही नहीं पाए हो कि आखिर ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आया तो क्यों आया, ओके? क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत सी बातों में कंफ्यूज करके रख दिया है, ओके? बातों को छुपाकर, अपनी फीलिंग्स नहीं बताकर, आपसे बहुत सारा झूठ बोलकर, ओके? हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिखाता है एक ऐसे इंसान को जो हर चीज़ अपने दिल में छुपाता है। राज बहुत होते हैं इस इंसान के दिल में, ओके? तो ये पहली बात मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ। दूसरी बात ये है गाइस कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, डोमिनेट किया है इन्होंने आपको, बहुत ज़्यादा घमंड है इस इंसान में, ईगो है इस इंसान में। आपके साथ हमेशा बहुत ज़्यादा बातें खुद छुपाते होंगे, पर हमेशा इल्ज़ाम आप पर लगाते होंगे कि गलती आपकी थी, ओके? तो डोमिनेटिंग नेचर, ईगो, ईगोस्टिक इंसान है ये, है ना? हमेशा लड़ाई झगड़े और डिस्कशन करना इनका उद्देश्य रहा है आपके साथ में। तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इस इंसान ने, बहुत ज़्यादा तकलीफें दी है। फाइव ऑफ सोर्ड्स डिवोर्स को भी दिखाता है कि अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर अपने ईगो और घमंड के वजह से इस इंसान ने, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को डिवोर्स केसेस भी फाइल कर रखी है झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाकर, ओके? ये मैरिड के लिए मैंने बता दिया। इस इंसान में जेलेसी भी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, ओके? जेलेसी यानी कि ये अभी भी अगर ये आपसे दूर है, दूर तो है क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड ने यहाँ पर क्लियर दिखा दिया है कि इंसान और आपके बीच में ब्रेकअप हो चुका है, कनेक्शन लॉस हो चुका है, ओके? तो ये आराम से अभी ब्रेकअप में है और बैठे हुए हैं जहाँ पर ये है, ओके? पर अभी भी इस इंसान के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप हो, ओके? सिर्फ और सिर्फ आप हो, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनके हो तो और किसी के नहीं हो सकते, ओके? इस टाइप की जेलसी इस इंसान में आपको लेकर है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव। आपको, आपके बारे में जब सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव ये फील करते हैं, ओके? कि आप किसी और के हो जाओ ये भी ये नहीं देख सकते, और हो सकता है कि खुद के लाइफ में भी ये आपको लेकर नहीं आ रहे हैं, है ना? तो आपको बिल्कुल अटका कर, उलझा कर और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में इस इंसान ने आपको रखा हुआ है, ओके? कोई बात क्लियर कट आपसे नहीं कर रहे। देखिए, अभी भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड एक ऐसे इंसान को दिखाता है जिसमें हर क्वालिटी होती है, ओके? तो आपके अंदर भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसको इस इंसान ने तो पहचान लिया है ना? इस इंसान को एहसास हो चुका है कि आप ही वो इंसान हो जो इन्हें हर चीज़ दे सकते हो, है ना? प्यार, मोहब्बत, केयर, इनकी ताकत बनना। इनको हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट भी की हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप एक परफेक्ट इंसान हो, और इस बात का एहसास इस इंसान को भली बात ही है ना? पर ये इंसान अपने गुरूर में, अपने घमंड में इतने ज़्यादा चूर है कि इन्हें किसी की फीलिंग समझ में नहीं आती है। पाइल नंबर टू, देखिए ये इंसान है ना, इस इंसान ने आप पर एक जादू सा कर रखा है गाइस। ये बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर आया है द मैजिशियन का कार्ड। तो अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं इतना महीना हो गया, इतना साल हो गया, मैं इस इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, तो ये इंसान है ही ऐसे, ओके? इस इंसान में एक तरह की वो जादूगरी है ना, कि ये किसी को भी अपने बस में कर ले, अपने मतलब एक अट्रैक्शन आपको इस इंसान में फील होता होगा कि बोलने की जो एक कला होती है इस इंसान में बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्टिव होंगे ये इंसान, है ना? कि किसी को भी अपनी बातों में उलझा देते होंगे। तो क्वालिटीज़ भी इस इंसान में है ना? और साथ ही साथ कुछ बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर, ईगोस्टिक, बातों को छुपाना, जेलसी फील करना, ये सब भी इस इंसान में कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है, ओके? तो आपको ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, जेलस भी फील करते हैं, और आपको कहीं और मूव ऑन भी होने नहीं देना चाहते। तो अटका के रखा है इस इंसान ने आपको, पाइल नंबर टू। तो आज का जो हमारा सवाल था कि क्या ये इंसान आपका साथ देंगे, है ना? यही है हमारा सवाल। तो देखिए गाइस,
यहाँ पर इस इंसान का जो नेचर मैंने आपको बता दिया है, अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैंने जो जो बातें बताई है वो आपके पर्सन से मैच होती है, रेजोनेट होती है? आप पहले इस बात को ध्यान दीजिए, अगर मैंने जो बातें बताई है वो मैच होती है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा इंसान अगर वापस आपके लाइफ में आ जाए तो आपको इनसे रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए? ये सवाल मेरा आपसे है। ओके, पॉइंट नंबर टू, देखिए ये इंसान डेफिनेटली, मैं आपको एक बात बता दूं, ये इंसान आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। ओके, ये मेरा पहला जवाब है आपको कि ये इंसान दूर नहीं हो पाएंगे। ये इंसान आपको कहीं और जाने भी नहीं देना चाहते। ओके, किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहने देना चाहते, पर ये इंसान अभी आपसे ब्रेकअप पर है, नो कॉन्टैक्ट पर होंगे, पर ये इंसान वापस आपके लाइफ में आएंगे। जी हाँ, ये इंसान फिर से आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि देखिए ये इंसान नाइट ऑफ पैंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुतों के लिए आने के बारे में सोच रहे हैं, बहुतों के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत बहुतों के लिए यहाँ पर ऑन द वे है। ओके, आएंगे, वापस आएंगे। एट ऑफ कप्स यहाँ पर, सॉरी, एट ऑफ वैंड्स यहाँ पर दिखा रहा है कम्युनिकेशन को। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, ये कम्युनिकेशन को दिखाता है एट ऑफ वैंड्स। तो बहुत जल्दी ये इनमें, आप में से बहुत लोगों को इस इंसान का कम्युनिकेशन, कोई ना कोई मैसेजेस कॉल्स आ सकता है यहाँ पर। आज का जो हमारा सवाल था गाइज, कि क्या वो आपका साथ देंगे, है ना? तो मेरा आंसर यहाँ पर ये है गाइस, कि इस इंसान के वापस आने का मुझे रास्ता नज़र आ चुका है कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे, पर ये इंसान आपको साथ देंगे या नहीं देंगे इस बात का कोई भी गारंटी मैं यहाँ पर आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ना ही यहाँ पर कोई लव का कार्ड आया है, देखिए ना ही यहाँ पर कोई प्यार वाला कार्ड आया है। एक कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का, कि कोई इंसान प्यार का ऑफर लेकर आ रहा है, पर यहाँ पर वो फीलिंग्स, है ना, वो प्यार वाली जो फीलिंग्स, कमिटमेंट वाली जो फीलिंग्स होती है वो यहाँ पर नज़र नहीं आई है। यहाँ पर सिर्फ दो तीन चीज़ें नज़र आई है आपके लिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये इंसान, आपको बहुत ज़्यादा ये डोमिनेट करते हैं ये इंसान, ईगो में है ये इंसान, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं ये इंसान। तो ऐसे टाइप के कैरेक्टर वाले हैं आपके पर्सन पाइल नंबर टू। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स, इमोशंस वाली फीलिंग्स, लव वाले कार्ड्स अगर आए होते, है ना, तो मैं आपको यहाँ पर कह सकती थी कि ये इंसान आपका साथ देंगे। पर यहाँ पर उससे भी ज़्यादा उनके कैरेक्टर को लेकर कार्ड्स निकले हैं कि वो कैसे हैं। और जब ये इंसान इस टाइप के हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इंसान आपका साथ देंगे? ये सवाल मेरा आपसे है, आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि आपके पर्सन कैसे हैं। ओके, ये बात श्योर है, 100% श्योर है कि पाइल नंबर टू, आप में से बहुत लोगों के पर्सन वापस आएंगे, आपको कम्युनिकेट करेंगे, है ना, आपको हो सकता है कि आ, आ, प्यार का ऑफर करे, रिलेशनशिप का ऑफर करे, फ्रेंडशिप का ऑफर भी करे, पर साथ देंगे या नहीं देंगे इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकती, क्योंकि ना ही यहाँ पर कार्ड्स निकले हैं उस तरफ इशारा करते हुए। ये बात ज़रूर है कि आप इस इंसान के बिल्कुल जाल में फंसे हुए हो, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हो। आप इस इंसान से अपने आप को दूर नहीं कर पाते, क्योंकि ये इंसान खुद ऐसा ही है कि इनकी बातों में कोई भी आ जाए, कोई भी फंस जाए। बातों में बहुत अच्छे माहिर है ये, बातों को छुपाने में भी बहुत माहिर है। इनका तो गुस्सा, इनका तो झगड़ा भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा गाइस। बिकॉज़ ये ऐसे ही है गाइस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता आपके पर्सन में है पाइल नंबर टू। तो मेरी क्लियर कट रीडिंग होती है, मैंने क्लियर कट मैंने बता दिया है। आपको ये कैसा लगता है गाइज, इसे आपको खुद सोचना है कि मैंने जो बातें बताई है अगर आपके पर्सन से मैच होती है, तो ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये पर्सन आएंगे तो ज़रूर, आएंगे तो ज़रूर, आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, आपसे बातें भी करेंगे, पर डिसाइड फाइनल आपको करना है कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है गाइज। सो पाइल नंबर टू यही थी आपके लिए रीडिंग, आप इसे कैसे लेते हो, इट इट डिपेंड्स ऑन यू। इतना कहते हुए मैं अभी रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज गाइज, अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय।